2024 लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल को हमारे द्वीपों में चुनाव होने वाली है पहले चरण में, जैसे कि आप सभी जानते हैं। 5 साल के कार्यकाल के बाद भी कुलदीप राय शर्मा को फिर से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है आला कमांड द्वारा। नामांकन भरने के साथ ही कुलदीप राय शर्मा अब अपने कैंपेनिंग में उतर गए हैं। साउथ पॉइंट से शुरुआत करते हुए कुलदीप राय शर्मा आज हैडो इलाके में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, सपोर्टर्स और आम जनता जो बढ़ चढ़ कर उनके कैंपेनिंग में नज़र आ रहे हैं, उनके साथ हैडो इलाके का दौरा किया, आम जनता से मुलाकात की और अपने कैंपेनिंग की शुरुआत उन्होंने आज कैंपेनिंग की दूसरे दिन की शुरुआत की। देखा जा रहा है जिस तरह से इस बार लोकसभा चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ सीपीएम भी इस बार मैदान में है और उसके साथ साथ कई जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी इस बार मैदान में उतरे हैं। जिस तरह से कुलदीप राय शर्मा को भरपूर प्यार और समर्थन अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहा है, साथ ही साथ आम जनता उनके कैंपेनिंग में बढ़ चढ़ कर उनको सहयोग देने के लिए उतर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और अपना जो समर्थन है, अपना जो सपोर्ट है, ये दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं खासा उत्साह है आम जनता में और पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी देखा जा रहा है और वो काफ़ी खुश है कि कुलदीप राय शर्मा को फिर से उम्मीदवार घोषित किया गया है। और 3 बार सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित कुलदीप राय शर्मा को फिर से एक बार जो है आम जनता विजय बनाए, यही जो है प्रयास है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अगर हम देखें तो भरपूर सहयोग और समर्थन दिया जा रहा है कुलदीप राय शर्मा को और कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर कैंपेनिंग में उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के लिए कुलदीप राय शर्मा अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और साथ ही साथ अपने समर्थकों के साथ द्वीपों के अन्य इलाकों में भी प्रचार प्रसार करते हुए हमें नज़र आने वाले हैं। हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि हम आम जनता से मुखातिब हो और उनसे जाने कि उनके विचार क्या है इस आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, जिसमें कुलदीप राय शर्मा के साथ साथ जो पुराने बीजेपी के कैंडिडेट हैं विष्णु पदरे हैं और साथ ही साथ सीपीएम के डी अय्यप्पन जो है इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, साथ ही साथ बीएसपी है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी कहीं आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता के क्या विचार है, उनका क्या कहना है, इन सभी को लेकर, आम जनता की बातों को लेकर हम आपके सामने उनके विचार रखेंगे। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो है कुलदीप राय शर्मा का प्रचार प्रसार बखूबी चल रहा है और उन्हें भरपूर समर्थन अगर हम कहें तो उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं और अंडमान की आम जनता का दिया जा रहा है, दिख रहा है। तो कई और विषयों को लेकर हमारे साथ जुड़े रहिए।